बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 19 पार्ट 1, और जनाब ये राउटिंग का पार्ट 1 है। हम उसके बाद राउटिंग का पार्ट 2 करेंगे। राउटिंग पार्ट 1 के अंदर जो सा है हम लोग स्टैटिक राउटिंग को देखेंगे, और राउटिंग पार्ट 2 के अंदर डायनेमिक राउटिंग जो रिप की है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसको पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। थैंक्स अगेन जिन लोगों ने फेसबुक को लाइक किया, जिन लोगों ने ब्लॉग पे कमेंट दे रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट दे रहे हैं। यार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं सबके कमेंट्स दे दूँ का रिप्लाई करूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो इस बात से रिलेटेड नहीं होते कि मैं उसे रिप्लाई करूँ। लाइक अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि MCSE की लेक्चर या वीडियो कब रिकॉर्ड होगा, यार मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक ही पर्सन हूँ, आई एम सॉर्ट ऑफ वन मैन आर्मी। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो उमर ने मुझे GNS में हेल्प की, यासिर बेचारा फेसबुक पे वो टाइम अपलोड करता रहता है हर वक्त जी, मॉर्निंग इवनिंग, और कोई बंदा नहीं है एज सच। तो मेरी कोशिश है कि यार पहले CCNA करें हम लोग, लड़के सर्टिफाइड हो जाए और उसके बाद देख के चलेंगे। आई विल फॉलो द कंप्लीट पाथ। मैंने अभी रिसेंटली एक कोर्स सर्टिफिकेशन किया है, तो आई विल डू इट। बट सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं एक बंदा हूँ और मैं एक सीक्वेंस में ही वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये नहीं हो सकता कि मैं 10 वीडियोस एक दिन में बैठ के कर दूँ, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। ठीक है, तो बहरहाल आई एम कंसिस्टेंट, होपफुल कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं अपना पूरे का पूरा नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकूँगा और ये फिर आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। मगर एज सच अगर आप ये चाहें कि सुबह मैं आपको MCSE की वीडियो दे दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने एक अपना प्लान बनाया हुआ, उसी से मैंने स्टिक करना है। अगर मैं बीच में एक MCSE की वीडियो दे दूँ एक CCNA की, तो ना CCNA कंप्लीट होगा ना MCSE कंप्लीट होगा। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, MCSE जो सी है वो अपडेट हो चुकी है, तो उसमें बहुत सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। तो और मैं ये भी एश्योरिटी नहीं दे सकता कि मैं CCNA के फ़ौरन बाद CCNP शुरू करूँगा या MCSE शुरू करूँगा। देयर माइट बी सम अदर ऑप्शंस। ठीक है, हम लोग अभी उस ऑप्शन को देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं हम जिसकी तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसके बाद शुरू करते हैं स्टोरी टाइम। ठीक है, मुझे पता चला आप लोगों को स्टोरियाँ सुनने का बहुत शौक है, तो मैंने ये ताह को कहा, मैंने कहा यार एक 3 क्लासरूम बना दे और उसमें जो है ना हर डोर के ऊपर ना बंदा बिठा दे। तो उसने ये तस्वीर बना दी है, इनमें से एक बंदा जो है वो उसका कोई फ्रेंड है। ठीक है, वो ज़ुबान निकाल रहा है। ठीक है, ये ज़ुबान निकली हुई है। ठीक है, तो वही हमारी पुरानी स्कूल की एग्जांपल कि जी ये मेरी क्लासरूम है और ये जो सी है ये येलो क्लासरूम है, तभी इस लड़के का जो हेयर का कलर है वो येलो है। ठीक है, ये जो सी है ये मेरी ब्राउन क्लासरूम है। ठीक है, और ये जो सी नेक्स्ट वाली है ये मेरी ब्लू क्लासरूम है। ठीक है, और ये मेरी जो सी है वो ग्रीन क्लासरूम है। ठीक है, तो ये जो बंदा है ना ये इस डोर पे खड़ा हुआ है और इसको इमीडिएटली जो सी है 2 कलर नज़र आ रहे हैं, एक येलो और एक ब्राउन। अगर येलो क्लासरूम से एक लड़का उठता है और वो इसके पास जाता है और इसको कहता है कि मैंने ब्राउन क्लासरूम में जाना है, तो वो बताता है ठीक है इस साइड पे चले जाओ, मेरी बाईं साइड पे चले जाओ, लेफ्ट साइड पे चले जाओ। और अगर वो कहता है मैंने येलो पे जाना है, तो वो कहता है तुम इधर ही रहो। ठीक है, और ये जो बंदा है ब्राउन वाला जो है क्लास का जो टीचर कह लो या जो भी है, ये इस डोर में खड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर ब्राउन क्लासरूम से कोई उठता है और कहता है मैंने ब्लू क्लासरूम में जाना है, तो वो उसे कहता है ठीक है तुम मेरी इस साइड पर चले जाओ। अगर वो कहता है कि मैंने येलो क्लासरूम में जाना है, तो उसको ज़ाहिर ये इस क्लासरूम के साथ है, तो उसको पता है कि वो उसको इधर भेज देता है। ठीक है, इसी तरह ब्लू क्लासरूम से कोई स्टूडेंट उठता है और वो इसको कहता है कि मैंने जी ब्राउन क्लासरूम में जाना है, तो वो उसको इधर भेज देता है। और वो पूछता है कि मैंने ग्रीन क्लासरूम में जाना है, वो कहता है इस डोर से चले जाओ। ठीक हो गया, और इसी तरह ग्रीन क्लासरूम से कोई स्टूडेंट उठता है और वो कहता है मैंने ब्लू क्लासरूम में जाना है, वो उसको इधर भेज देता है। ठीक है, और इधर की स्टोरी अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, इट्स नॉट आवर पॉइंट। अगर इधर से एक और स्टूडेंट उठे और वो इसको कहे मैंने ग्रीन क्लासरूम में जाना है, क्या इसको पता है कि ग्रीन क्लासरूम इधर पड़ा हुआ है? नहीं पता। ठीक है, इसको हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भैया अगर आपने ग्रीन क्लासरूम में जाना है, तो आप ब्राउन क्लासरूम वाले बंदे के पास बंदे को भेज दो। ठीक हो गया, तो फिर वो बंदा उसको आगे फर्दर फॉरवर्ड कर देगा। ठीक हो गया, ये कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको हम फिर राउटिंग की ज़ुबान में या नेटवर्किंग की ज़ुबान में कैसे करेंगे, आप में से शायद कुछ लोगों को आइडिया हो चुका होगा। तो मैं उठता हूँ क्लासरूम में, मैं येलो क्लासरूम में पढ़ता हूँ, मगर मैंने ग्रीन क्लासरूम में जाना है। ठीक है, मैं इस क्लास टीचर या क्लास के मॉनिटर के पास जाता हूँ, इसको कहता हूँ मैंने ग्रीन क्लासरूम में जाना है, इसको नहीं पता, और ये चुप हो जाएगा। मैं इस पर बोलूँ चलूँगा और वापस आ जाऊँगा।
मगर अगर एक फुली राउटेड इन्वायरमेंट है, लाइक ये सारे आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं, तो ब्राउन इसे कहेगा यार अगर तुमने जो है ना वो ग्रीन नेटवर्क पे जाना है, ग्रीन क्लासरूम में जाना है ना, तो मेरे पास भेज देना। और ब्राउन को पता होगा कि अगर किसी ने ग्रीन पे जाना है तो उसे ब्लू के पास भेज दो, और ब्लू को पता है कि वो उसके इस साइड पर है, ठीक है। तो अगले दिन फिर दोबारा मैं आया, मैंने इसे कहा मैं येलो क्लासरूम में हूँ, और मैं इस अपने क्लास मॉनिटर के पास आया, मैंने उसको कहा कि मैंने ग्रीन क्लासरूम में जाना है। उसने कहा ठीक है तुम ब्राउन के पास चले जाओ, ब्राउन भेज देगा तुम्हें। मैं ब्राउन के पास गया, ब्राउन ने कहा किधर जाना है, मैंने कहा जी मैंने ग्रीन के पास जाना है। अच्छा वो देखेगा अपने पास रजिस्टर के अंदर, उसने कहा अच्छा ग्रीन मेरे साथ डायरेक्टली तो नहीं है, मैं ग्रीन के को डायरेक्ट तो नहीं जानता, मगर तुम ब्लू के पास ले जाओ, मगर वो शायद तुम्हें ले जाए, ठीक है। और मैं ग्रीन ब्लू के पास जाऊँगा, सॉरी ब्लू के पास ले जाओ, मैं ब्लू के पास जाऊँगा, ब्लू कहेगा अच्छा मैं अपना रजिस्टर देखता हूँ, और वो कहता है ओ तुमने ग्रीन जाना है, ग्रीन तो मेरी लेफ्ट साइड पर है, इधर चले जाओ मैं यहाँ चला जाऊँगा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर कोई ग्रीन क्लासरूम में उठता है और वो कहता है जी मैंने जी जाना है येलो के पास, तो मैंने ग्रीन वाले को बताया वह क्या, अगर तुमने येलो जाना है तो ब्लू के पास भेज देना। ये ब्लू के पास गया, ब्लू अपना रजिस्टर चेक करेगा, कहेगा यार मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है, मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड क्लासरूम नहीं है उसकी, डायरेक्टली कनेक्टेड से मेरा ब्लू की डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्राउन और ग्रीन, और ब्राउन की डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्लू और येलो, ठीक है, क्योंकि मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मगर मेरी इन्फॉर्मेशन ये बता रही है कि तुम ब्राउन के पास चले जाओ। जिस टाइम मैं ब्राउन के पास जाऊंगा, ब्राउन अपने रजिस्टर देखते साथ कहेगा अच्छा तुमने येलो जाना है, येलो मेरी राइट साइड पर है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, और मैं येलो के पास आ जाऊंगा। दैट इज द सिंपल स्टोरी ऑफ राउटिंग, ठीक है। राउटिंग यहाँ से शुरू हो रही है। अब इन बंदों को हटा दो और इनको बंदों की जगह राउटर बना दो, और क्लासरूम की जगह नेटवर्क बना दो, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये येलो को मैंने कह दिया कि जी ये जो सा है 10 का नेटवर्क है, ठीक है, मैंने इसको कहा जी आप 10 के नेटवर्क हो, 10 का मतलब 10.1.1.1, ठीक है, ये 20 का नेटवर्क है, ठीक है, ये 30 का नेटवर्क है, ये 40 का नेटवर्क है, ठीक है। अब अगर मैं उठता हूँ और मैं इस राउटर के पास जाता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ भैया मैंने 30 के नेटवर्क पे जाना है, इस राउटर के पास सिर्फ दो नेटवर्क्स होंगे बाय डिफॉल्ट अनटिल अनलेस एडमिनिस्ट्रेटर इसमें डाले, तो कहेगा नहीं भाई मैं तुम्हें 10 के पास लेके जा सकता हूँ, 20 के पास और मैं कहीं नहीं लेके जा सकता, ठीक है। अगर मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इस राउटर के अंदर जाऊँ, ये येलो राउटर के अंदर, और इसको फीड करूँ कि भैया अगर तुम्हारे पास कोई आए और कहे मैंने 30 और 40 के पास जाना है, तुम ये ट्रैफिक ब्राउन के पास भेज देना। अब दोबारा मैं इसके पास जाता हूँ और मैं इसे कहता हूँ भैया मैंने 40 के पास जाना है, कहता है अच्छा ये मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ना ये 20 है ना ये 10 है, तो मुझे पता नहीं है, मगर मेरी इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि तुम ब्राउन राउटर के पास चले जाओ। मैं ब्राउन राउटर के पास चला जाता हूँ, ब्राउन राउटर देखता है और कहता है कि तुमने 40 के पास जाना है और मेरी इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि वो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मगर मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन है कि तुम 30 वाले राउटर के पास यानी ब्लू राउटर के पास चले जाओ। मैं ब्लू राउटर के पास जाता हूँ, ब्लू राउटर कहता है अच्छा तुमने ग्रीन के पास जाना है, वो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जस्ट गो दैट वे, और वो उसे वहाँ ले जाता है, ठीक है। दैट इज़ माई डियर नोन एज अ स्टैटिक राउटिंग। जब आप राउटर के अंदर जाके मैन्युअली राउट एंटर करते हो, लाइक मैं येलो को मैन्युअली जाके बताता हूँ कि भैया अगर तुमने ग्रीन नेटवर्क पे जाना है, ठीक है, तो तुमने ट्रैफिक फॉरवर्ड करनी है ब्राउन राउटर की तरफ, ये इन्फॉर्मेशन इसको दे दी, और ब्राउन राउटर को कहा कि अगर तुमने ग्रीन नेटवर्क पे जाना है तो तुमने ट्रैफिक फॉरवर्ड करनी है ब्लू नेटवर्क राउटर की तरफ, ठीक है। और ब्लू को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्लू को ऑलरेडी पता है कि उसकी इस साइड पर है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, अगर आपको अच्छी तरह याद हो, ठीक है। मैं अगर आपको अपने वही स्टैंडर्ड राउटर में लेके जाऊं, अगर वो चल रहा हुआ 192.168.0.100, अगर आप लोग सब मेरे सीक्वेंस में वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये क्या है, ठीक है, शो आईपी राउट। और ये देखो मैंने आपको कहा था कि जब मैं शो आईपी राउट की कमांड देता हूँ तो वो मुझे बताता है कि मेरे साथ राउटिंग टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, एग्जैक्टली यही इन्फॉर्मेशन कि अगर ग्रीन के पास जाना है या ब्राउन के पास जाना है तो कहाँ जाना है, ठीक है। तो अब ये देखो मेरा राउटर जो सा है ना वो तीन नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, सी 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 आ रहा है, और सी का क्या मतलब है अगर आप इसके कोड्स में देखो, कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड ना, तो राउटर के एक इंटरफेस पे 1.1.1.0 का नेटवर्क चल रहा है, और कौन सा इंटरफेस है वो फास्ट इथरनेट 0/1, और एक नेटवर्क पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है 2.1.1.0, और एक साइड पे कौन सा चल रहा है 192.168.0.0 फास्ट इथरनेट, ठीक है, थ्री डिफरेंट इंटरफेसेस पे।
ये एग्जाम्पल इस तरह के राउटर की है कि उसकी एक साइड पे 10 का नेटवर्क चल रहा है, एक साइड पे 192.168 का चल रहा है, और वो खुद 2 में बैठा है। ठीक हो गया। तो मगर हमें पता कैसे चलता है? हमें पता कैसे चलता है? अगर हम राउटिंग टेबल के अंदर देखें तो जिन राउट्स के आगे सी 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 लिखा होता है, इसका मतलब वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स होते हैं। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, क्योंकि ये मैंने ये स्लाइड समझा दी, हमारा लेक्चर खत्म हो गया। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। राउटिंग दो टाइप्स की होती है, एक स्टैटिक राउटिंग होती है और एक डायनेमिक राउटिंग होती है। वापस उसी पिक्चर में जाते हैं, या इसी पिक्चर पे अगर आप समझना चाहते हैं, इस पे समझा देता हूँ। वैसे आपको स्टोरियाँ सुनने का शौक है तो वापस जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, मैं कहता हूँ रेज ऑल स्क्रीन। मैंने कहा ये 10 का नेटवर्क है, थोड़ी सी और प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये 20 का नेटवर्क है, ठीक है, ये 30 का नेटवर्क है, और ये 40 का नेटवर्क है। ठीक हो गया। अब इस राउटर के डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस या 10 होंगे या 20 होंगे, इसका नहीं पता होगा। ठीक है, अगर मैं इस राउटर को मैन्युअली जाके बताऊं कि भैया 30 का नेटवर्क तुम्हारी 20 वाली साइट पे पड़ा है, 40 का नेटवर्क भी 20 वाली साइट पे पड़ा है, यानी मुझे मैन्युअली इसको दो राउट्स बताने पड़ेंगे। फिर मैं इसके पास जाऊंगा, इसको कहूंगा भैया 40 तुम्हारी 30 वाली साइट पे पड़ा हुआ है। फिर 30 में जाके बताऊंगा कि 10 तुम्हारी इस साइड पे पड़ा हुआ है, और कोई राउट नहीं देना पड़ता इसको, क्योंकि 40 और 20 को उसे खुद पता है। 40 वाले के पास जाऊंगा, उसे कहूंगा 20 भी तुम्हारी उस साइड पे पड़ा और 10 भी तुम्हारी उस साइड पे पड़ा। अब मुझे कितने राउट्स ऐड करने पड़े? 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, 6 राउट्स ऐड करने पड़े। अगर ये हो गया स्टैटिक राउटिंग, कि एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली हर राउटर पे जाके उसे बताए कि भैया अगर आपने फलां नेटवर्क पे जाना है तो आपने ये करना है, फलां नेटवर्क पे जाना है तो ये करना है, फलां नेटवर्क पे जाना है तो ये करना है। अगर आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, ठीक है, लाइक 100 नेटवर्क्स हैं, तो आपको हर राउटर में रफली 98 97, डिपेंडिंग ऑन द राउटर्स लोकेशन, उतनी कमांड्स देनी पड़ेंगी। और उसमें फिर गलती का भी पॉसिबिलिटी है कि इफ़ यू कैन डू गलती, कि भाई मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो अब इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया? हमने किया कि एक हमने पीएन हायर कर लिया। ठीक है, पीएन क्या करता है? ये मैंने सारे राउट्स उड़ा दिए, ठीक है, इसके पास भी राउट, इसके पास भी राउट, एक छोटा हायर कर लिया। ठीक है ना, ऑफिस के अंदर एक छोटा होता होता है। ठीक है, ये अब चीज़ें ताहा ने बनाई हुई हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ। आई कैन मेक अ स्टिक मैन, इसे स्टिक मैन कहते हैं ये लोग। ठीक है, ये निक्का है, ठीक है, इसे टोपी शोपी बना देते हैं। ठीक है, बाबू लगने लग गया ये। ठीक है, इसने ये हाथ में ट्रे पकड़ी हुई है, और ये उसके ऊपर इसकी सारी किताबें हैं। ठीक है, ये इसके पास गया, इसे कहा जी आप कौन कौन से नेटवर्क तक पहुंचा सकते हो? कहता है मैं 40 और 30 तक पहुंचा सकता हूँ, 40 और 30 तक। इसके पास गया, सारी इन्फॉर्मेशन ली, इसके पास गया, सारी इन्फॉर्मेशन ली, इसके पास गया, सारी इन्फॉर्मेशन ली। इसके बाद इसने पता क्या किया? ये अब इसके पास गया और इसको बताना शुरू कर दिया कि ये 40 का नेटवर्क उधर पड़ा हुआ, और अगर आपने जाना है तो 20 के थ्रू जा सकते हो। इसको जाके बताया कि अगर आपने 40 के नेटवर्क पे जाना है तो आप 30 के थ्रू जा सकते हैं। इसके पास आके बताया कि अगर आपने 10 के नेटवर्क पे जाना है तो आप 20 के पास ट्रैफिक भेज दो। यानी ये वो मोहल्ले की वो बीबी नहीं होती जो सारों को खबरें देती फिरती, इसने वो काम करना शुरू कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ नहीं करना पड़ा, एडमिनिस्ट्रेटर ने को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करनी पड़ी, बस एडमिनिस्ट्रेटर ने इन तमाम राउटर्स को बता दिया ये जी मासी है और इसने तुम्हें सारी खबरें देनी है। ठीक है ना, वो कहते हैं ना मोहल्ले की सारी खबरें पता करनी हो तो या मासी से पता कर लो या नाई की दुकान पर जाके बैठ जाओ। ठीक है, क्योंकि उसके पास हर बंदा आता है। ठीक है, तो यही स्टोरी यहाँ की है कि ये जो मासी है ये सबको इन्फॉर्मेशन देती रहेगी। ठीक है, अब इसमें एक मसला है, कभी कभी ये मासी ना उल्टे काम कर देती है, ठीक है, कोई गलत काम भी कर देती है, वो उसकी लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये काम आसान है एज़ कम्पेयर टू अगर आपके पास 100 राउटर्स हैं और उनमें आपने राउट्स डालने हैं और हर राउटर के अंदर 95 97 राउट्स डल रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा मसला है। आप उसके अंदर वो छोटी सी मासी क्रिएट स्टेब्लिश कर दो और वो मासी सब राउटर से इन्फॉर्मेशन ले के सबको बताती फिरेगी और सब लोग वो राउट्स लर्न कर लेंगे। ठीक हो गया, दैट इज द होल स्टोरी ऑफ राउटिंग। ठीक है, बस राउटिंग खत्म हो गई। तो हमने देखा कि स्टैटिक राउटिंग वो राउटिंग है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली राउट एंटर कर रहा है, और डायनेमिक राउटिंग क्या है कि हम एक प्रोटोकॉल चला देते हैं, ठीक है, और वो प्रोटोकॉल तमाम राउटर्स के दरमियान इंटरफे इंफॉर्मेशन जो सी है वो शेयर करता रहता है। ठीक है,
उन राउटर्स में जो मेन राउटिंग प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे दैट इज़ नोन एज रिप, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। फिर हम उसकी लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे, वो क्या मसले करता है। उससे ऊपर का जो राउटिंग प्रोटोकॉल है इज़ नोन एज OSPF, ठीक है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। फिर उससे आगे का एक और राउटिंग प्रोटोकॉल है मगर वो सिस्को के एनवायरमेंट में चलता है, EIGRP, ठीक है। तो बहरहाल हमारा CCNA मेनली फोकस करेगा इसके ऊपर, और शायद हम थोड़ा सा टच करें इसको, मगर ये ICND 2 का पार्ट होगा, तो हम मेनली रिप पढ़ेंगे, ठीक हो गया। मगर आज का टॉपिक मेनली फोकस करेगा स्टैटिक राउटिंग के ऊपर, कि हम पहले स्टैटिक राउट डालना तो सीख लें कि राउट के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या डालनी होती, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास एक नेटवर्क है और ये इस राउटर का, राउटर वन का राउटिंग टेबल है, ठीक है। उसने कहा कि मेरे पास 10.122.0 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है क्योंकि उसकी केबल डायरेक्ट इस राउटर में आ रही है, ठीक है। मगर 172.16.1.0 जो 1, 2, 3 राउटर्स से आगे का राउट है, वो उसने उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उसने उसे लर्न किया है, ठीक है। मगर लर्न कैसे किया है, आइदर उसने स्टैटिक राउटिंग से लर्न किया है या डायनेमिक राउटिंग से लर्न किया है। स्टैटिक राउटिंग कैसे, कि एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद मैन्युअली एंटर किया है, ठीक है, या डायनेमिक राउटिंग के राउटिंग प्रोटोकॉल ने ऐड किया है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, या मैं कह दूं वो मासी जो सी हमने, मासी MASSI, ठीक है, मासी, आई एम नॉट श्योर, कोई मासी माइंड ही ना कर जाए, मासी पंजाबी में मेरे ख्याल में खाला को कहते हैं, ठीक है, वो अम्मा या मल्ले की जो भी बीबी होती हैं बड़ी, ठीक है, बड़ी होती है आजकल तो उसको पता नहीं कितने नामों से याद किया जाता है हर डिफरेंट एरियाज़ में, बहर न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये स्टोरी है, ठीक हो गया। तो मैनुअल राउट्स जो उनसे हैं वो मेरे अब जहन में ना पीछे वो चल रहा है कि यार ये मैंने किसी को अब्यूज़ तो नहीं कर दिया, अगर मैंने किसी को, किसी ने बुरा मनाया इस बात को तो आई एम सॉरी कि किसी ने मासी वर्ड को माइंड किया, तो आप उसको इंटरप्रेट कर लो यार, मेरी मेरे लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे सकता था, ठीक है, ठीक है। तो ये स्टोरी है, आगे चलते हैं स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। ये मेरा नेटवर्क है, या ये एक नेटवर्क है, 10 का नेटवर्क है ये मेरे ऑफिस का, और मैंने ना एक और कंपनी के साथ कनेक्ट करना था, ठीक हो गया। जब मैंने एक और कंपनी के साथ कनेक्ट करना था उस कंपनी ने अपने राउटर से केबल खींची और मेरे राउटर में लगा दी, ठीक है। अब हुआ क्या, हम लोगों ने कम्युनिकेशन शुरू नहीं की, उसकी वजह यह है कि इस राउटर का डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ये है 172, ये नहीं है, ये 172.16.2 है नेटवर्क, और ये 172.16.1 है नेटवर्क, ये /24 का नेटवर्क है, ठीक है। तो अगर कोई मुझे कहता है यार मैंने 172.16 इधर मैं बैठा हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने कहा 172.16.2.1 पे जाना है, इसने मुझे ले गया इधर सीधा। जब मैंने ऐसे कहा 172.16.1.10 पे जाना है, जो इसका आईपी एड्रेस था, तो इस राउटर के पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी क्योंकि वो उसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क तो नहीं है, वो सिर्फ दूर पड़ा हुआ है। तो इस राउटर ने मुझे कहीं नहीं लेके गया। उसका बेस्ट तरीका क्या है कि मैं अपने राउटर में मैन्युअली जाके एक राउट एंटर करूँ और राउटर को बताऊँ कि भैया अगर कोई आपके पास आता है और वो कहता है कि उसने 172.16.1 यहाँ तक, क्यों, क्योंकि मैंने जो सबनेट मास्क दिया 255 255 और 255 का दिया है, यानी ये वाला 255 इसके लिए, ये वाला 255 इसके लिए, और ये वाला 255 इसके लिए, ठीक हो गया। और ये ज़ीरो जो सा है वो इस ज़ीरो के लिए। तो अगर कोई भी आईपी एड्रेस इसको मिलता है राउटर को, तो राउटर देखता है उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है। अगर उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये है 16.2.0.2.10, तो वो देखता है अच्छा मेरे पास 172.16.1 का राउट है, तो वो राउट इस पैकेट पे अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस उसका आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो राउटर को मिला है पैकेट, उसका आईपी एड्रेस होना चाहिए 1.10, फिर वो देखेगा राउट, अच्छा ये राउट पूरा मैच हो रहा है 172.16.1, मैंने पहले 3 ऑक्टेट्स मैच करने हैं, 172 भी मैच हो गया, 16 भी मैच हो गया, 1 भी मैच हो गया, इसका मतलब दैट्स द राउट, और अब इस पैकेट को मैं इस राउट को यूज़ करके फॉरवर्ड करूँगा। और ये राउट कहता है कि अगर आपके पास एक पैकेट आया जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस ये है,
तो उसको इस आईपी एड्रेस पे फॉरवर्ड कर दो। अब इस राउटर को इस आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए 2.1 का, यस, क्योंकि 2.1 उसका डायरेक्टली कनेक्टेड है, और वो इस पैकेट को यहाँ से लेके इधर फॉरवर्ड कर देगा। और जैसे इस राउटर को मिलेगा, इस राउटर को तो राउट की ज़रूरत ही नहीं है 16 के, और ये इसको फॉरवर्ड कर देगा। मगर अभी ये सारी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई, उसकी वजह ये है कि मैं अभी तक वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जब इस पैकेट का रिप्लाई आएगा वो कहेगा अच्छा 10.something something पे भेज दो। जब वो पैकेट इधर आएगा तो ये राउटर परेशान हो जाएगा, भैया मैं 10 पे किधर भेजूँ, मुझे तो 10 का पता नहीं है। तो मुझे इस पे भी एक राउट ऐड करना पड़ेगा, और राउट क्या होगा, आईपी राउट, ठीक है, आईपी राउट, कम ऑन, समझ आनी चाहिए 10। ये अब राउट जो है देखो 10.0.0 है, 10.0.0.0, ठीक है, और सबनेट मास्क क्या होगा 255.0.0, क्योंकि हम मैच ही इतना करना चाहते हैं, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे मीन किधर फेंकनी है इसने ट्रैफिक, 172.16.2.2, दैट्स इट। तो जब वो इसका रिप्लाई भेजने लगेगा, वो पैकेट वापस लाएगा, इसके पास फेंकेगा और इसके पास, ठीक है। मैं थोड़ा सा पीछे होके देख रहा हूँ तो स्क्रीन पे बहुत गंद मचा दिया मैंने, ठीक है। इस कमांड को देने का एक और तरीका भी है, बजाय इसके कि आप अगले राउटर का आईपी एड्रेस दे, आप उधर इंटरफेस भी दे सकते हो, ठीक है। यानी आप कह दो कि सीरियल 0/0/0 पे भेज दे, और वो ट्रैफिक इधर भेज देगा। यानी मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा जी मैंने राउट डाल दिया इसके अंदर ये वाला, ठीक है, मैंने मैंने इस मैं इधर बैठा हुआ था, और मैंने ना इस राउटर को रिक्वेस्ट की कि मैंने ना 172.16.1.10 पे जाना है, ये 10 है, ठीक है। राउटर के पास आया, राउटर ने राउट देखा 162.172.16.1. ठीक है, ज़ीरो को केयर नहीं करता, तो 1.10, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, तो मैं सीरियल इंटरफेस से मैं बाहर निकाल देता हूँ। उसने मुझे इस इंटरफेस से बाहर निकाला, और इस इंटरफेस से निकल के मैं सिर्फ एक ही जगह जा सकता हूँ, वो इस राउटर के पास, ठीक है, क्योंकि ये सीरियल है और पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, ठीक है। अगर यहाँ पे इथरनेट लगा होता है और मल्टीपल राउट्स लगे होते, फिर मैं ये कमांड नहीं यूज़ कर सकता था, फिर मुझे ये यूज़ करनी पड़नी थी। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ आया तो परेशान ना हो, ठीक है। यानी आप सीरियल इंटरफेस यूज़ कर सकते हो, अगर आप डिफ़ॉल्ट गेटवे, या इस चीज़ को डिफ़ॉल्ट गेटवे कहते हैं, इसको डेस्टिनेशन नेटवर्क कहते हैं, इसको सबनेट मास्क कहते हैं, और इसको गेटवे कहते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं, सिर्फ गेटवे कहते हैं, कि उस नेटवर्क तक पहुँचने के लिए आपको जो बंदा है उसको आपको गेटवे कहते हैं। एजेंट, मैट्रिक की 2 नंबर डिग्री बनवानी हो, एजेंट के कोल जाते हैं ना सी, बस वो वाली स्टोरी है कि जब हमने मैट्रिक की 2 नंबर डिग्री बनवानी है तो वो एजेंट के पास जाना है, तो वो 172.16.1.0 के पास जाना है, लाहौर की गाड़ी में चढ़ना है तो वो न्यू खान पे चले जाओ, ठीक है ना, न्यू खान के अड्डे पे, मुझे नहीं पता 47 अड्डा है या वो बसों वाला अड्डा है, ठीक है। तो ये स्टोरी है, आगे चलते हैं। लैब टाइम, लैब टाइम हो गया, हाँ लैब टाइम हो गया। अच्छा जी, बड़ा छोटा सा लैब है, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है। मैं इस लैपटॉप से हट के एक और काम किया कि मैंने ना यहाँ पर एक कंप्यूटर लगा दिया, ठीक है, GNS में बना के, और इस कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दे दिया 1.1.1.10, ठीक है। ये जो है इसको पिंग कर सकता, ठीक है, इस राउटर को, मगर ये भी मेरा जो लैपटॉप है ये भी इस राउटर को पिंग कर सकता है, मगर जब हम इस राउटर से निकल के इस राउटर को तक पिंग कर सकते हैं, मगर ना इधर जा सकते हैं, ना इधर जा सकते हैं, ना इधर जा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि मेरे राउटर को सिर्फ अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स का पता है, उसे 1 के राउट का पता है, उसको 192.168.0.100 का पता है, उसको 2.1.1.1 का पता है, मगर उसे 3.1.1 का नहीं पता, ठीक है। तो ये मैं करता हूँ अभी राउटर पे बैठ के। दोबारा टेलनेट करते हैं, पिंग करता हूँ मैं इसको 1.1.1.10 को, और जनाबे वाला ये पिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसकी वजह 1.1.1.100 है, उसका आईपी एड्रेस 10 नहीं है, ठीक है। मुझे, मैं बहुत बुरा हूँ नंबरों के मामले में, ठीक है। ठीक है, मैंने किया पिंग 10.1.1.100, पिंग हो रहा है, ठीक हो गया। अगर मैं पिंग करता हूँ 3.1.1.1, पिंग हो रहा है, नहीं पिंग हो रहा, ठीक है। मैं राउटर पे बैठा हुआ हूँ,
और मैं राउटर को कहता हूँ भैया तुम 3.1.1 को पिंग करो, नहीं कर रहा। मैं इसको कहता हूँ तुम 4.1.1 को पिंग कर दो, फिर ये 4.1.1 को भी पिंग नहीं कर रहा। मैं इसको कहता हूँ भैया चल तू 2.1.1.2 को तो पिंग कर सकता है ना, कम ऑन, पिंग 2.1.1.2। तो एट द मोमेंट जहाँ हम खड़े हुए हैं वो ये कि हम इस राउटर से इसको पिंग कर सकते हैं, हम इस राउटर से इसको पिंग कर सकते हैं, मगर ना इसको इसको पिंग कर सकते हैं, ना इसको पिंग कर सकते हैं, ना इसको पिंग कर सकते हैं। यानी हमने राउटर में वो इंटेलिजेंस अब क्रिएट करनी है जो रिक्वायर्ड होती है राउटिंग के लिए। ठीक हो गया? तो हम राउटर में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, हम इस राउटर के पास गए और राउटर को अब हमने समझाना है, क्या समझाना है वो देखते हैं। ठीक है, शो आईपी राउट तो दिखा चुका हूँ मैं। ठीक है, मैंने इस राउटर को कहा कि भैया तू ज़रा ना अपनी अंदर की स्टोरी दिखा, तो ये राउटर मुझे बता रहा है कि वन का नेटवर्क मेरे साथ कनेक्टेड है, फास्ट ईथरनेट 0/1, यानी ये FA 0/1 है। ठीक है, और क्या है, फिर टू का नेटवर्क है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है सीरियल 0 के साथ, और ये 192 का नेटवर्क है। अब मुझे आप बताओ कि अगर इस राउटर ने 3 के नेटवर्क पे जाना है तो इसने क्या करना है, इसने ट्रैफिक किधर फेंकनी है। वेरी गुड, आप में से बहुत सारों ने जवाब दे दिया, 80% ने दे दिया, वो जो पीछे बैठा है उसने नहीं दिया जवाब मुझे। ठीक है, क्यों नहीं दिया बेटे आपने? क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो आप खेल रहे थे। ठीक है, तो आप ये वीडियो रिवाइंड करें और दोबारा देखें वही जो मैंने क्लासरूम की एग्जाम्पल दी है। ठीक हो गया? तो बेटा जी आप उसको बताओगे कि भैया अगर आपने 3 के नेटवर्क पे, 4 के नेटवर्क पे और 5 के नेटवर्क पे जाना है तो आपने 2.1.1.2 के पास डाटा फेंक देना है, और 2.1.1.2 को खुद पता होगा कि उसके साथ कौन कौन से नेटवर्क लगे हुए हैं। पहले मैं इस पे राउट डालने से पहले मैं आपको 2 के नेटवर्क पे लेके जाऊं, इस राउटर पे लेके जाते हैं और देखते हैं क्या ये इन तीनों को जानता है। जी ये इन तीनों को जानता है क्योंकि ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, मगर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए शो आईपी राउट, और देखो वो कह रहा है कि 3 का नेटवर्क भी मेरे साथ लगा हुआ है, 4 का नेटवर्क भी साथ लगा हुआ है, 5 का नेटवर्क भी साथ लगा। आप लोगों में जिन लोगों ने CCNA पढ़ लिया वो हंस रहे होंगे, देखो सर हमें गोली करा रहे हैं, पर लिए आपको मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने एक ही राउटर को यूज़ करके 3 नेटवर्क कैसे बनाए हुए। ठीक है, अब मैं आपको वापस लेके जाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ क्या करना है। अब हमने इस राउटर को बताना है, ये जो मेरा छोटा निक्का राउटर है, राउटर 1 R1 इसे कह दूँ। ठीक है, इसको मैंने बताना है कि अगर आपने लेके जानी है ट्रैफिक 4.2.3.1.1 4.1.1 5.1.1 तो आपने क्या करना है। ठीक है, मैंने उसे कहा आईपी राउट की कमांड दे सकता हूँ यहाँ पे, नहीं दे सकता, मुझे पहले कॉन्फ़िग टी में जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा आईपी क्वेश्चन मार्क, और ये देखो मुझे क्या क्या ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, आईपी एक्सेस लिस्ट, अकाउंटिंग लिस्ट, दिस 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 दिस, मगर मुझे क्या चाहिए, राउट। आईपी राउट, ठीक है, स्टेब्लिश द स्टैटिक राउट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आईपी राउट क्वेश्चन मार्क डेस्टिनेशन प्रीफिक्स, यानी डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, ये हमें तीनों यहाँ पे साइड पे नजर आ रहे हैं, 3.1.1.1। ठीक है, मैं ऐसे दे सकता हूँ, ऐसे नहीं देना, मैंने नेटवर्क देना है, तो 3.1.1.0, अगर मेरा 3 का बहुत बड़ा नेटवर्क है तो मैं यू भी दे सकता हूँ, 3.0.0.0, 255.0.0.0, के भाई सिर्फ 3 देखिए और पैकेट फेंक दें, मगर ये बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है, 3.1.1.0। ठीक है, सबनेट हुआ हुआ है। ठीक है, 255.255.255.0, और आगे देखो फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस सबसे ऊपर आ रहा है कि अगर इस नेटवर्क पे जाना है तो फॉरवर्डिंग राउटर का एड्रेस क्या होगा, कि किस राउटर के पास मैं ट्रैफिक भेजूँ। तो अगर आप थोड़े से ध्यान से डायग्राम देखें तो क्या एड्रेस है, 2.1.1.2। ठीक है, 2.1.1.2, और एंटर। अब मैं 3 के नेटवर्क पे जा सकता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या मैं पिंग कर सकता हूँ,
क्या मैं यहाँ से पिंग की कमांड चला सकता हूँ? नहीं, अगर मैं यहाँ पे पिंग की कमांड चलाऊंगा 3.1.1.1 तो मुझे एरर आ जाएगा। तो मैं या डू पिंग करूँगा, ठीक है, मैंने गलत आईपी दे दी है नाजरीन, तो अब आपको वेट करना पड़ेगा 5 सेकंड के लिए, क्योंकि आईपी एड्रेस देना चाहिए था 3.1.1.1 मगर 11 दे दिया, तो मुझे रिप्लाई आ रहा है। इजन इट इंटरेस्टिंग, ठीक हो गया। अब मैं एक और राउट डालता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे 4.1.1.1 से रिप्लाई आ रहा है, मैंने कहा 4.1.1 रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक हो गया। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अब 4 का राउट डालूँगा, ठीक है। मैंने क्या किया, आईपी राउट, ठीक है, 4.1.1.0 255.255.255.0, ठीक है, और किसके पास भेजना है, फिर दोबारा 2.1.1.2, ठीक है। अब मैं दोबारा डू पिंग की कमांड चला के और 4.1.1 को पिंग करता हूँ, 4.1.1 पिंग हो रहा है। अब मैं राउट डालूँ 5 का, ठीक है, मैंने सिर्फ उस राउट के अंदर 5 किया और राउट डाला, अब मैं पिंग करता हूँ 5 को, 5 भी पिंग हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि अब मेरा राउटर जानता है कि अगर राउटर ने 5 के नेटवर्क पे जाना है तो वो यहीं से रिक्वेस्ट फेंकता है और सीधी इधर चली जाती है, इधर चली जाती है, इधर चली जाती है, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर अपना जो ये लैपटॉप है इस पर बैठ के पिंग करूँगा ना, तो फिर देखते हैं कि पिंग का रिप्लाई आ रहा है या नहीं, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि GNS के अंदर VPCs बनती हैं, तो ये मेरा VPC1 है, ठीक है, ये मेरा PC है, ठीक हो गया। यानी ये मेरा PC कुछ यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक हो गया। तो मैं अगर इसे कहूँ कि भैया पहले तो तुम अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे पिंग करके दिखाओ ना, पिंग 1.1.1.1, ठीक है, पिंग हो रहा है, ठीक है। मैं ऐसे कहता हूँ, अच्छा तुम 2.1.1 पिंग करके दिखाओ, पिंग 2.1.1.1 पिंग हो रहा है, वेरी गुड। मैं कहता हूँ, अच्छा तुम 2.1.1.2 पिंग करके दिखाओ, ये पिंग नहीं कर सक रहा, ठीक है, टाइम आउट आ रहा है, ठीक है। मैंने ऐसे कहा, अच्छा चलो तुम 3.1.1 पिंग करके दिखाओ, इसको ये भी पिंग नहीं मिल रहा, उसकी वजह क्या है, ठीक है। आप कहोगे सर अगर हम राउटर पे बैठ के पिंग कर रहे हैं तो पिंग आ रहा है, पीसी पे बैठ के पिंग कर रहे हैं पिंग नहीं आ रहा, दैट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम। उसकी वजह ये है, ओके, वजह ये है, मैं इस राउटर पे बैठा हुआ था, मैंने पैकेट भेजा, मेरे अंदर स्टैटिक राउट था, मैंने पैकेट भेजा 3.1.1 का, और ये पैकेट जो है सीधा इस राउटर के पास आया क्योंकि मेरे पास स्टैटिक राउट था। राउटर ने यहाँ से रिप्लाई क्रिएट किया, और राउटर को पता है कि ये पैकेट कहाँ से आया, जब मेरे राउटर ने पैकेट इनिशिएट किया तो पैकेट इस इंटरफेस से क्रिएट हुआ है, ठीक है। और राउटर ने इस पैकेट का रिप्लाई किधर भेजना है, 2.1.1 को, और राउटर को पता है 2.1.1 किधर है, हाँ पता है, इस राउटर को R2 को पता है कि ये 2.1.1 किधर है, और ये यहीं से रिप्लाई वापस भेज देता है। जब मैं 4 को रिप्लाई पिंग करता हूँ तो वो भी यही होता है और ये यहाँ पर आता है। अब दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो ये मेरा लैपटॉप यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं जब यहाँ से पिंग भेजता हूँ तो सोर्स एड्रेस क्या है इस पैकेट का, इस पैकेट का एड्रेस है 1.1.1.100, ठीक है। जब ये पैकेट यहाँ आता है तो राउटर को पता है कि उसने इसको रिजॉल्व कराने के लिए इस राउटर 2 के पास भेजना है, राउटर 2 के पास रिजॉल्व होकर जब राउटर 2 के पास आता है, राउटर 2 के पास अब डेस्टिनेशन एड्रेस क्या आ रहा है 1.1.1.100, और राउटर 2 को तो पता ही नहीं है 1.1.1.100 किधर पड़ा हुआ है। तो अब हमें राउटर 2 को बताना पड़ेगा, राउटर 2 भैया अगर आपके पास पैकेट 1.1.1.100 का आ रहा है तो इसका मतलब ये इसी राउटर 1 के पीछे बैठा हुआ है, तो आप ये ट्रैफिक राउटर 1 के पास फेंक दें, सिंपल इज दैट। तो हम क्या करते हैं, हम राउटर 2 जो ISP राउटर है उसके पास जाते हैं और उसके पास कॉन्फ़िग टी करते हैं और IP राउट, ठीक है, क्या बताएंगे हम उसे, 1.1.1.0 255.255.255.0, और कहाँ पे भेजना है, 2.1.1.1। अब पिंग चलेगा, मुझे नहीं पता, ट्राई करते हैं, चल रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा है, 2 का भी चल रहा है क्योंकि हमें राउट ऐड करने की जरूरत नहीं है, और दैट्स इट।
सिंपल इज दैट, ये आपकी स्टैटिक राउटिंग होगी। कोई मुश्किल आई है? नहीं मुश्किल, सिर्फ आपने ये करना होता है कि हमें मेनली जब भी कभी राउटिंग का ऐसा इशू आता है तो मैं सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। जब भी आपने डायग्राम बनाई आपको सारा कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक हो गया। अब इससे आगे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इज नोन एज डिफॉल्ट रूट, ठीक है। डिफॉल्ट राउट क्या होता है, वापिस पुरानी डायग्राम में चलते हैं, ये वाली, ठीक है। ये 10 का नेटवर्क था, ये 20 का नेटवर्क था, ये 30 का नेटवर्क था, ये 40 का नेटवर्क था, और ये एवरीथिंग एल्स। ठीक है, इंटरनेट, अगर मैं यहां से उठता हूं, ठीक है, मैं यहां से इस राउटर के पास जाता हूँ, राउटर को कहता हूँ भैया मैंने इंटरनेट पे जाना है, राउटर को नहीं पता किधर भेजना है, ठीक है। मैं इसके पास जाता हूँ इंटरनेट पे जाना है, इसके पास जाता हूँ, इसके पास जाता हूँ, तो कुछ ऐसा नहीं हो कि मैं इसको बेचारे को इतनी इन्फॉर्मेशन दूँ ही ना कि इंटरनेट के सारे नेटवर्क्स इसको तो नहीं बताऊँगा ना, इसको ज़रूरत ही नहीं पता करने की। इसे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मैं 10 पे लेके जा सकता हूँ, 10 के अलावा जो भी चीज़ है मैं उसको 20 पे फेंक देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि 10 के अलावा जितने नेटवर्क्स हैं, 10 और 20 के अलावा जितने नेटवर्क्स हैं उन पर जाने के लिए आप इसके पास चले जाओ, ये मेरा माई बाप है, इसे माई बाप कहते हैं, ठीक है। ठीक है, जिसे मैं हमारी नेटवर्किंग की ज़बान में डिफ़ॉल्ट गेटवे कहते हैं, थोड़ी प्रोफाइंड इंग्लिश में गॉडफादर कहते हैं, ठीक है। गॉडफादर एक मूवी भी है, देखना ज़रूर कभी, ठीक है। तो मैं इसके पास भेज देता हूँ, इसके लिए ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है, मगर इसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा है? तो ये कहता है कि यार अगर कोई भी ट्रैफिक है और जो 10 की हो, 20 की हो, 30 की हो, मेरे पास भेज दो, अगर 30 से ऊपर का और भी कोई भी नेटवर्क है तो वो इसके पास भेज दो सारा कुछ। अगर 60 की, 70 की, 192, 168 की, 200 की, 250 की कोई भी ट्रैफिक है इसके पास भेज दो, ठीक है। और ये कहता है कि यार कोई भी ट्रैफिक हो 30, 20 की, 40 की मेरे पास भेज दो, बाकी जो सी है ये यहाँ पे भेज दो। और इन भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब के पास ये यहाँ पर एक बड़ा चपरासी बैठा हुआ है, ठीक है, और ये इधर के तमाम नेटवर्क्स के अलावा बाकी सारी ट्रैफिक इसके पास भेज देता है, बस किसान हो गया। अब मैं इसके पास जाता हूँ और इसको कहता हूँ यार मैंने ना ओ किधर जाना है, फूड स्ट्रीट जाना है लाहौर। अब ये तो कॉलेज की टर्म ही नहीं है, कॉलेज में ये क्लासरूम MCS है, BCS है, MIT है, DIT है। कहता यार मुझे ये फूड स्ट्रीट का तो नहीं पता, तुम ऐसा करो कि मैं चेक करता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ तुम्हें लेके जा सकता हूँ। वो तो देखता है कि मैं इसके कैंटीन का रास्ता बता सकता हूँ, मैं इसे लाइब्रेरी का रास्ता बता सकता हूँ, मैं इसे हॉस्टल का रास्ता बता सकता हूँ, मैं इसे BCS, MCS, MIT, इंजीनियरिंग और ब्ला ब्ला स्टफ़ का रास्ता बता सकता हूँ, मगर इसका नहीं बता सकता। तो इसके पास आखिर में रजिस्टर में एक एड्रेस पड़ा हुआ होगा जो इसे कहेगा भैया और किसी भी एड्रेस के लिए तुम ना ये ब्राउन वाले बंदे के पास भिजवा दो। ये ब्राउन वाले के पास जाता है, ब्राउन वाला भी अपना खाता वाता देखता है, कहता है नहीं भाई मैं नहीं पहुंचा सकता, मगर मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो हरफन मोल है उसके पास चले जाओ। वो इसके पास चला जाता है, ये कहता है अच्छा तुम इसके पास चले जाओ। ये जब इसके पास जाता है तो ये कहता है अच्छा भैया मेरे पास एक ही बंदा है और वही फाइनल रास्ता है, वो ये चपरासी है। इस चपरासी के पास जाता है, चपरासी कहता है अच्छा फूड स्ट्रीट जाना है, इन चले जाओ, इन चले जाओ, इन चले जाओ, तो ए तुसी फूड स्ट्रीट पहुँच गए जी, ये आप फूड स्ट्रीट आ गए, ठीक है। एक्चुअली मुझे ये डायग्राम जो सी है ये डिफ़ॉल्ट गेटवे की कुछ ये मिटा के बनानी चाहिए थी, ताकि सिर्फ मैं आपको बताता कि जब मैंने इस नेटवर्क पे लेके जाता हूँ, इस नेटवर्क पे लेके जाता हूँ, इस नेटवर्क पे लेके जाता हूँ, और इसके अलावा बाकी सारी ट्रैफिक में उठा के इसके पास फेंक देता हूँ। यही स्टोरी आपके पास आपके इंटरनेट पे हो रही होती है, ये आपका घर का राउटर है, ठीक है, और आपके घर के नेटवर्क में आप इधर इधर फेरे होते हो, मगर जिस तरह घर के राउटर नेटवर्क से बाहर जाना होता है तो आपके राउटर के अंदर एक राउट होता है जिस इज नोन एज द डिफॉल्ट राउट, कि और बाकी सारी ट्रैफिक आप उठा के अपने ISP के पास फेंक देते हो, आपका ISP जाने और वो जाने, ठीक हो गया। अगर आपने याहू पे जाना है, गूगल पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, कहीं पर जाना है, आप उस ISP के पास फेंक रहे होते हो ट्रैफिक, और ISP जाने उसका मसला जाने, और आपको कोई टेंशन नहीं होती, ठीक हो गया। तो यही मेरी एक लैब है और मैं आपको इस लैब से डिफ़ॉल्ट गेटवे भी कॉन्फ़िगर करना सिखा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट रूट जिसे कहते हैं, ठीक है, और कुछ वर्ड्स वर्डिंग के अंदर कभी कभी लिखा होता है गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, कि
कि ये राउटर है, इसको पता है कि मैं 1 के नेटवर्क पे पहुंचा सकता हूँ, 192 के नेटवर्क पे पहुंचा सकता हूँ, 2 के नेटवर्क पे पहुंचा सकता हूँ, इसके अलावा वो कहीं नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। और ये करना है अब हमने, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, मैं लैब ज़रा सेट कर लूँ। वेलकम बैक, ठीक है। ये मेरा राउटर है 2.1.1.1, ठीक है, जिसे मैं अपने यहाँ से लैपटॉप से जो सा लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। इस लैपटॉप से इसको टेलनेट करूँगा, ठीक है। और ये मेरी एक टेस्ट मशीन है जिससे मैं एक्सेस भी करूँगा ये 3 वेबसाइट्स को, ठीक है। yahoo.com या google.com का आईपी एड्रेस जो सा है वो 3.1.1.1 है, ठीक है। taha.com का जो सा है वो 5.1.1.1 है, और yahoo का जो सा है वो 4.1.1.1 है, ठीक है। ये एक्चुअल राउट्स नेम आईपीज नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से इंटरनेट सिमुलेट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये रियल इंटरनेट नहीं है, अगर आपको ये समझ रहे हो कि ये याहू का एड्रेस है तो ये रियल याहू का एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। अब मैं इस राउटर पे दोबारा बैठा हूँ, और मैं आपको बताऊँ कि जब मैं इस राउटर पे बैठा हुआ हूँ तो मैं क्या उसको दोबारा पिंग कर सकता हूँ कि पिंग 3.1.1.1, ठीक है, मैं पिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब मैं इसको पिंग कैसे करूँगा, ठीक है। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं अपने राउटर पे बैठ के पिंग याहू डॉट कॉम लिखूँ तो क्या वो पिंग होता है, या पिंग गूगल डॉट कॉम लिखूँ तो क्या वो पिंग होता है? नहीं होता। उसकी वजह क्या है? पिंग गूगल डॉट कॉम, ठीक है, वो पिंग इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने DNS सर्वर नहीं दिया हुआ, ठीक है। बल्कि अभी मैंने DNS सर्वर दिया हुआ, मुझे निकालनी चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन, मैंने निकाली नहीं है, ठीक है। तो मैंने DNS सर्वर देता हूँ अपने राउटर को, और फिर मैं देखता हूँ कि क्या काम होता है। मगर DNS सर्वर देने से पहले पहले मैं राउटिंग इनेबल करता हूँ, कि मैंने राउटर को कहना है कि यार तुम्हारे लिए सारा कुछ एनफ हो गया है, तुम 1 पे लेके जा सकते हो, 192 पे लेके जा सकते हो, 2 पे लेके जा सकते हो, और बाकी सारी ट्रैफिक उठा के अपने ISP को दे दो, बस वो जाने और उसका काम जाने। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस राउटर को कहता हूँ, अच्छा जी, मैं अपने राउटर को कहता हूँ कि अपना राउटिंग टेबल दिखाओ, शो IP राउट, ठीक है। और देखो वो कहता है मैं 1 पे लेके जा सकता हूँ, 2 पे ले जा सकता हूँ, 192.168.0.0 पे लेके जा सकता हूँ, और कहीं नहीं लेके जा सकता। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ, और देखो ऊपर लिखा हुआ गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज़ नॉट सेट। मैं कहता हूँ अच्छा भैया तुम ऐसा करो कि तुम जहाँ मर्जी लेके जाओ, मगर जिधर जिधर तुम लेके जा सकते हो उसके अलावा जितनी ट्रैफिक है वो सारी उठा के ISP वाले राउटर पे भेज दो, ठीक है। तो मैं इसका राउट लिखूँगा कॉन्फिग टी IP राउट, ठीक है, और मैं कहता हूँ 0.0.0, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट रूट होता है, ठीक है, और उसका सबनेट मास्क भी कोई नहीं होता, उसको उठाओ 2.1.1.2 पे फेंको, ठीक है। आपको राउट समझ आया कि IP राउट एनीथिंग टू एनीथिंग, जहाँ मर्जी जा रही है ट्रैफिक, ठीक है, उसको उठा के वहाँ फेंक दो, ठीक है। और मैं एंटर का बटन दबा देता हूँ। अब मैं अपना डू शो IP राउट दिखाता हूँ आपको, और ज़रा राउटिंग टेबल पढ़ो, कुछ नज़र आ रही है चीज़? गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज़ दिस, कि अगर कोई आपके पास आता है और वो कहता है जी मैंने 1 के नेटवर्क पे जाना है, तो आप गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पे नहीं भेजते, आप पहले उसे 1 के पास भेज देते हो। अगर कोई आपके पास आता है कहता है 2 के पास जाना है, आप इधर भेज देते हो। आपके पास कोई आता है कहता है मैंने 192.168 के पास जाना है, आप उसको यहाँ पे भेज देते हो। अगर कोई आता है कहता है मैंने 3 के पास जाना है, आप अपना राउटिंग टेबल देखते हो, आपको ना यहाँ मिलता है, ना यहाँ मिलता है, ना यहाँ मिलता है, आप गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पे भेज देते हो, ठीक है। गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज़ कि आपका जो फाइनल आखिरी उम्मीद जो सी है वो 2.1.1.2 है, और उसका जो वो कहाँ तक लेके जाती है, कहीं भी लेके जा सकती है, टू द नेटवर्क 0। और उसके लिए मैंने एक राउट ऐड किया था 0.0.0, ठीक है, उसका सबनेट मास्क कुछ भी नहीं है, और वी आर दिस वन, और देखो स्टैटिक लिखा हुआ और आगे स्टार लगा हुआ है। स्टार का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्टार नज़र आ रहा है, कैंडिडेट डिफॉल्ट, ये आपका डिफॉल्ट रूट है। जब आपको ये डिफॉल्ट रूट मिल गया, अब मैं देखूँ कि मैं 3.1.1.1 पे जा सकता हूँ, क्यों नहीं चल रही कमांड, क्योंकि मैंने बहुत सारे हैशेज डाल दिए इसमें, 3 पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ 4 पे जा सकता हूँ, मैं 4 पे भी जा सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मैं 5 पे जा सकता हूँ, मैं 5 पे भी जा सकता हूँ। अब मैं अपने वो वाले PC पे जाके देखूँ कि क्या मैं वहाँ उसको यूज़ करके जा सकता हूँ। मैं PC पे गया और मैंने इसको कहा कि भैया आप भी बताओ ज़रा क्या करना है। मैंने किया पिंग 2.1.1.1, 2 तो जाना ही नहीं था, 3.1.1, 4.1.1, और एक और कमांड मैं दिखाता हूँ, अगर मुझे पता हो कि यहाँ चलती है या नहीं। ट्रेसेट, TRACERT, ट्रेसेट,
ठीक है, और मैं कहता हूँ भैया मुझे बताओ जरा मैं 3.1.1 पे कैसे जा रहा हूँ, और ये देखो मुझे बता रहा है कि 3.1.1 पे जाने के लिए पहले वो 1.1.1 पे गया, यानी इस राउटर पे आया, यहाँ से निकला इस राउटर पे आया, और इधर से निकल के 2.1.1.2 पे गया, यहाँ पे गया, यानी ये आपको ट्रेसर्ट की कमांड जो सी आपको रास्ता बताती है कि यहाँ से कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल कमांड है, ये आप अपने सिस्टम पे चला सकते हो, ट्रेसर google.com, और आपको गूगल तक जाने का सारा रास्ता बताती है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेसर की कमांड विंडोज़ पे चलती है, और राउटर पे अगर आपने यही कमांड देनी हो तो आप देते हो ट्रेस कमांड ट्रेस राउट, और मैंने कहा 5.1.1.1, ये आपको बता देगी कि 5.1.1 पे कैसे लेके जा रहा है कि उसने आपकी ट्रैफिक था 2.1.1.2 के ऊपर, और आगे उसने 5.1.1 पे ले लिया। ठीक है, रास्ते में एक राउटर आ रहा है। ठीक है, अब एक और कमांड मेरे पास है जो है ip config t, आईपी नेम सर्वर, ठीक है, 2.1.1.2। मैंने ना एक DNS सर्वर बनाया हुआ, उसका नाम है 2.1.2, और मैंने इस राउटर को कहा कि तुम्हारा वो DNS सर्वर है, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। अब मुझे आईपीस को पिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे बैठ के लिखूँ पिंग google.com और वो पिंग करके लाएगा मेरे लिए, वो गया नेम सर्वर के पास, देखो ट्रांसलेटिंग google.com के गूगल के पास गया, और गूगल को कहा, अपने DNS सर्वर को कहा कि इस DNS सर्वर को कि भैया मैंने गूगल के पास जाना है, मुझे उसका आईपी एड्रेस दो। उसने कहा ठीक है, उस गूगल का आईपी एड्रेस 4.1.1 है, और अब आप पिंग कर सकते हो। ठीक है, मसलन मैंने कहा पिंग taha.com, उसने ताहा को भी पिंग कर दिया, उसका उसने आईपी एड्रेस, मैंने अपने DNS सर्वर को बताया था कि ताहा का आईपी एड्रेस है। मैंने कहा चलो किसको पिंग करें, याहू को करते हैं, पिंग yahoo.com, याहू भी पिंग कर दिया उसने। ठीक है, यानी आपको अब आईपी याद करने की जरूरत नहीं, आपके नेम पिंग कर रहा है वो, मगर उसके लिए आपको DNS सर्वर के साथ अपना, आपके पास DNS सर्वर होना लाजमी है, फिर आपका राउटर हो, और राउटर को आपने बताया कि यह आपका DNS सर्वर है और यूं आपने जानी है ट्रैफिक लेके। आप DNS सर्वर के पास जाओगे, DNS सर्वर आपको कहेगा अच्छा जी मुझे दो, मैं आपको बताता हूँ कि yahoo.com या google.com का ये एड्रेस है, आप उस एड्रेस पे जाओ, फिर आपका राउटर जो सर पिंग का पैकेट उसकी तरफ भेज देगा, मगर शर्त यह है कि आपका कनेक्शन स्टेब्लिश्ड हो, आप याहू गूगल तक जा सकते हो, और आपको DNS सर्वर का एड्रेस भी पता हो। आपके घर के सिनेरियो में आपका DNS सर्वर जो सा आपकी एक्सेस पॉइंट होता है, एपी होती है, एपी कह रहा हूँ, DSL का राउटर है, ठीक है, और DSL का राउटर के अंदर DNS का एड्रेस होता है, वो एक्चुअली आपको लग रहा है आप अपने DSL के पास जा रहे हो, मगर आपका DSL जो है वो अपने राउटर के पास जा रहा होता है, अपने ISP के राउटर के पास जा रहा है, और ISP ने अपने पास DNS सर्वर लगाया हुआ होता है। ठीक है, और आपकी रिक्वेस्ट उस DNS सर्वर के पास जाती है, फिर वो आपको IP एड्रेस देता है, फिर आप उस IP एड्रेस के पास जाते हो, और फिर आप पेज डाउनलोड करते हो अपने पास, तब आपको याहू का पेज या गूगल का पेज या कोई भी पेज नजर आता है। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ये आज की पूरी रुदात थी कि हमने क्या किया, एक दफ़ा फास्ट रिव्यू कर लेते, हमने स्टोरी पढ़ी, और स्टोरी पढ़ बेड टाइम स्टोरी थी हमारी। ठीक है, और हमने देखा कि दो तरीके हैं राउटिंग के, एक स्टैटिक राउटर, एक डायनेमिक राउट है। राउटर्स नॉर्मली अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में तो जानता होता है, मगर उससे अपने से फर्दर नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उसको वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम आइदर उसके पास स्टैटिक राउट सेंटर करते हैं, या एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं जो सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है। ठीक है, तो हमने आज जो लैब किया वो स्टैटिक राउटिंग से रिलेटेड थी, कि हमने एक नेटवर्क जोन सा है वो बनाया, ठीक है, और उस नेटवर्क वो उस राउटर पे बैठ के हम इधर भी पिंग कर सकते थे, इधर भी पिंग कर सकते थे, इधर भी पिंग कर सकते थे, मगर हमारा पिंग बियॉन्ड अवर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से जो बियॉन्ड नेटवर्क थे, परे नेटवर्क थे, उनको पिंग नहीं कर सकते थे। तो उस चीज़ को हमने ओवरकम करने के लिए क्या किया, हमने इस राउटर में को बताया कि राउटर भैया अगर आपने 3 के नेटवर्क पे, 4 के और 5 के नेटवर्क पे जाना, तो आपने ट्रैफिक इधर फेंकनी है। ठीक हो गया, अगर से मेरे इस राउटर के साथ एक और राउटर जुड़ा हुआ होता, और उस राउटर के पीछे फिर 3 नेटवर्क्स चल रहे होते, लाइक 6 का, 7 का और 8 का, और इसका आईपी एड्रेस होता 2.2.2.1 और 2.2.2.2, तो मैंने फिर कुछ राउट्स इस साइड पे पॉइंट करने थे, कुछ राउट्स इस साइड पे पॉइंट करने थे, ये भी हो सकता था। ठीक है, मगर इसमें हमने क्या देखा कि हैसल बहुत ज़्यादा है, कि आपके पास जितने राउटर बढ़ते जाते हैं, आपको मैन्युअली राउट्स एंटर करने पड़ते हैं। तो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो कुछ सिचुएशन के अंदर हमें स्टैटिक राउट्स यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ में डायनेमिक्स, मगर डायनेमिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने देखा डिफॉल्ट रूट, कि
कि जब आपको पता हो गया यार ये तमाम राउट्स तक तो पहुंचा सकता हूँ, मगर इसके अलावा जितने बाकी राउट्स हैं उनकी ट्रैफिक मैं एक स्पेसिफिक राउटर पे फेंक देता हूँ और मैं उससे उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे उन तमाम जगहों पे पहुंचा सकता है, लाइक इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए आप अपनी तमाम ट्रैफिक किधर भेज रहे होते हो? अपने ISP के मेन राउटर पर भेज रहे होते हो, और ISP जो है पॉसिबिलिटी है कि आपके ISP के पास सारे राउट्स ना हो दुनिया के। उसने क्या किया होता है कि उसने फिर आगे बड़े बड़े ISP से नेटवर्क लिए होते हैं, लिंक्स लिए होते हैं, और वो उनकी तरफ डिफ़ॉल्ट रूट कर रहा होता है। उसने भी सारे राउट्स अपने पास नहीं रखे होते, क्योंकि इंटरनेट का राउटिंग टेबल काफ़ी बड़ा है। अगर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है तो उसमें कुछ थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज हैं, ठीक है। तो हर राउटर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, आपका 28 या 2600 का राउटर इस कैपेबल नहीं है, उसके लिए 7200 या 7600, 7200 है मेरे ख्याल में, 7200 की सीरीज़ चाहिए होती है, 6500 चाहिए होता है, ठीक है। तो बड़े राउटर्स को उस काम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक हो गया। तो और उसके लिए राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो डिफरेंट यूज़ होते हैं, यानी इंटरनेट के लिए जो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वो BGP होता है, उसका कन्वर्जेंस टाइम कम होता है। कन्वर्जेंस BGP का आइडिया मिलेगा CCNA के अंदर, मगर कन्वर्जेंस टर्म ही आपको पता चल जाएगी कि जो जो इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर जो टर्म्स पढ़ी बोली जाती है या लिखी जाती हैं वो सारी आपको समझ आ जाएंगी। तो डिफ़ॉल्ट रूट ये होता है कि यार बाकी सारी चीज़ें वहाँ फेंक दो, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट रूट तब किक इन होता है जब आपके राउटिंग टेबल में उस राउट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर आपको बताता है। लाइक मैं अपनी क्लास अपने वो चपरासी के पास गया या अपने कॉलेज के वो राउटर के पास गया और उसको कहा मैंने यार लाइब्रेरी जाना है, वो मुझे गेट से बाहर नहीं भेजेगा क्योंकि उसके पास लाइब्रेरी का रास्ता है। अगर उसके पास लाइब्रेरी का रास्ता ना होगा तो फिर वो मुझे बाहर भेजेगा, और लाइब्रेरी का रास्ता क्यों नहीं होगा, वो उसकी गलती हो सकती है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की गलती हो सकती है कि उसके राउटर में उस लाइब्रेरी का रास्ता क्यों नहीं पड़ा हुआ। क्योंकि अगर लाइब्रेरी का रास्ता नहीं पड़ा तो वो उठा उठा के गेट से बाहर फेंकता रहेगा लोगों को, और लोग लाइब्रेरी नहीं जा सकेंगे। आपको साल के बाद पता चलेगा यार लाइब्रेरी से किसी ने बुक ही नहीं इशू की। आप स्टूडेंट्स को कहोगे कभी तुम लोग किताबें नहीं पढ़ते लाइब्रेरी से, मैंने इतने पैसे बजट लगाया हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ने, तो वो बताएंगे हम तो जब भी चपरासी को कहते हैं लाइब्रेरी वो कॉलेज से बाहर निकाल देता है हमें, तो हम लाइब्रेरी कहाँ जाए, ठीक है। तो फिर आप राउट ऐड कर दोगे। सो दीज आर द थिंग, कभी कभी ऐसा होता है आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही होती है और आपको राउट ऐड करना पड़ता है कि भाई वो नेटवर्क एक्सेस नहीं हो रहा, ठीक हो गया। IP राउट वो मैंने में, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा और दिल लगा के पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपका, कौम का और सबका फायदा है, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।